तमाशा, इश्क तमाशा। वो हम सफर था, वो हम सफर था, वो हम सफर था, मगर उससे हम न लगता है रोशना को जिन चढ़ गए। कैसे? आधी रात को मेकअप जो किया जा रहा है, या फिर किसी की वीडियो कॉल आने वाली? हरगिज ऐसा नहीं है, किसी की वीडियो कॉल नहीं आने वाली। अच्छा तो फिर मैडम आप इतना तैयार क्यों हो रही है? वो मैं अपनी शक्ल देख देख के बोर हो गई थी, तो सोचा थोड़ा चेंज कर लूं, इसलिए मेकअप कर। तुम वाकई पागल हो, अपनी शक्ल देख के भला कौन बोर होता है? हाँ भाई, तुम नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। तुम मेरी नहीं उसकी फिक्र करो, अगर कभी उसकी शक्ल देख देख के मैं उकता गई तो। है क्या चल रहा है ये रुशना? सच सच बता दो, उसवा भी नहीं है अभी इधर। लो भाई, उसवा से डरती हूँ मैं। डरती नहीं हूँ तो बताओ फिर। क्यों बता, सब कुछ तुम्हें बता दूँ। चलो चलो अपना काम करो। ठीक है बेटा, ना बताओ। तुम बस भी करो मेकअप करना। आप भाई आज तो मैं ब्यूटी क्वीन बन के सोऊंगी। ये ना चुड़ैल बन जाओ। अरे नहीं बनती जाने मन, टेंशन नहीं लो, तुम अपना काम कर लो। देखे जा रही तुम्हारा बाजू ठीक तो है ना वैसे? हाँ भाई, गुड इज न्यू। अल्लाह ने बहुत रहम किया, आइंदा मैं तुम्हें बाइक बिल्कुल नहीं चलाने दूंगी। आइंदा ये खुद भी नहीं चलाएगा, इसने हॉस्टल से वापसी पे मुझसे वादा किया। हाँ पप्पू, मैं भाई को सॉरी भी कर चुका हूँ, अब आप लोग मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। भाई कंप्लीटली बेफिक्री तब होगी जब तुम्हारी फिक्र करने वाली इस घर में आएगी। देर किस बात की है भाई, मैं तो तैयार हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अरे पहले मेहराब की दुल्हन आएगी इस घर में। नहीं पप्पू, पहले अरम की दुल्हन आएगी। सही कह रहा हूँ? हरगिज़ नहीं, मैंने कह दिया ना, पहले मेहराब की दुल्हन आएगी और फिर अरम की। मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों भाई, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा लूटो ना सैंडविच, तो लूटो पहले। तो इधर आओ जी। क्या कहा है बाहर से तुमने? मैंने कुछ भी नहीं, मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई। अच्छा, तो उसे इतने दूर बैठे हुए इल्हाम हुआ है ना? चाची जान मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई बात नहीं हुई। जानती हूँ मैं, तुम मेरे बेटे को वरगला कर इस घर पर राज करना चाहती हो, लेकिन याद रखना ऐसा होने नहीं दूंगी। चाची जान तुम मिनमिना कर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही हो। मेरे बेटे को रिश्तों की कमी नहीं है, मैं किसी ऊंचे खानदान की लड़की लेकर आऊंगी उसके लिए। जानती हूँ। जानती हो तो फिर उसे भड़काने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा चाची जान। करना भी मत, सुना तुमने? कितने पैसे बचे हैं सब्जी में से? ये रखो। ये पकड़ो और अपने लिए गर्मियों के जोड़े ले आना। नहीं चाची जान मुझे जरूरत नहीं है, आप रहने दें, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। अच्छा
रहने दो हाँ, ताकि तुम वहां से मेरी शिकायत करो कि तुम्हारे पास तो पहनने के कपड़े ही नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं कहा है उन्हें। तुम कहना भी मत, मैंने पहले भी कहा है वो मेरा बेटा है और उस पर ज्यादा हक मेरा है, सुना तुमने? जाओ यहां से। मीना, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें किस तरह के लड़के अच्छे लगते हैं? आई मीन लुक कैसी होनी चाहिए, किस तरह के दिखते हो? डैशिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, जस्ट लाइक फवाद खान या अली जफर जैसा। इससे कम में काम नहीं चलेगा क्या? हरगिज नहीं, बंदा दिखने में तो अच्छा होना चाहिए ना। रियली? बिल्कुल, इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, 1% भी नहीं। इसे क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई थी ना, मेरा बैलेंस तो खत्म नहीं हो सकता ना। तुमने वहां से कुछ कहा है? नहीं, वो तो रुशना बाजी ने। तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? मैंने अब क्या कर दिया जो तुम इतना हाइपर हो रही हो? क्या किया है तुमने? वहां से क्या बात की है? मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं। झूठ मत बोलो। वहां से चाची जान को कहा है कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, हालांकि तुम जानती हो कि हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बता दिया। मैं उनसे झूठ नहीं कह सकती थी यार। आखिर तुम दोनों बहन भाई चाहते क्या हो? क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हो? यहाँ हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अम्मी तुम्हें हर वक्त कड़वी कसीली बातें सुनाती है और तुम चुप करके सुनती रहती हो। उनकी बातें सुनना मेरी मजबूरी है, मैं उनके घर में रहती हूँ। क्यों सुनो तुम किसी की भी बातें? तुम्हारा भी इस घर पे हक है, हम कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, समझी तुम? मैं एक बोझ हूँ रुशना, जो चच्ची जान मजबूरी में उठा रही है। तुम प्लीज अपने भाई से कहो कि मेरी जिंदगी और मुश्किल ना बनाए। मेरा कहा था मैंने वहाज भाई से कि अम्मी को ना बताए, करवा दी ना मेरी लड़ाई। जानती हूं मैं, तुम मेरे बेटे को वरगला कर इस घर पर राज करना चाहती, लेकिन याद रखना मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे बेटे को रिश्तों की कमी नहीं है, मैं किसी ऊंचे खानदान की लड़की लेकर आऊंगी उसके लिए। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? ताकि तुम्हें जी भर के देख सकूं। इतनी फारिग नहीं हूं मैं, मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा। अच्छा, हाथ छोड़े, हाथ कोई आ जाएगा तब तो यह हाथ जिंदगी पर नहीं छोड़ेगा। छोड़ सकते हो? तो बस अब इस हाथ को मजबूती से सांभ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सादगी सरल जिंदगी पर है। छोड़े मेरे हाथ।
फिरहा, तुम रो क्यों रही हो? डैशिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, जस्ट लाइक फवाद खान या अली जफर जैसा बंदा दिखने में तो अच्छा होना चाहिए ना? और अगर मैं उसे अच्छा ना लगा तो? बिल्कुल, इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, 1% भी नहीं। मेरा देखो, कब से तुमसे माफिया मांग रही हूँ, अब तो माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगी ऐसा। मैंने थोड़ी कहा मेरी मिन्नतें करो, तुम खुद कर रही हो। एक दफा माफ कर दो, कह रही हूँ आइंदा नहीं करूंगी। तुम हर दफा यही कहती हो रुशना, और हमेशा वही गलती करती हो। अरे मेरा, मेरी बात तो सुन। अरे लड़कियों, अरे उठो, नमाज का टाइम निकला जा रहा है। मैं तो जाग रही हूँ, इसको उठाए, पलवशा को लेके सो रहे हैं। पलवशा उठ, नमाज का टाइम निकल। हाँ चल उठ। यार ये कृष्णा, तुम मुझे हमेशा ऐसे क्यों जगाती हो? उठ के चलो, ठंडे पानी से वुजू करो। चल उठ ना रुशना, नमाज के लिए सही कपड़े पहन लेना। अच्छा चल, जल्दी कर, सोती रहती है वहां नमाज के टाइम पर भी। उठ जा। देखो मेरा, मुझे एक दफा माफ कर दो, उसके बाद अगर मैंने कभी गलती की तो तू मुझे जान से मार देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी। अब तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी, तुम हमेशा यही डायलॉग मारती हो। अच्छा, मेरी फरिश्तों जैसी बहन, मैं वहाज भाई कभी कभी साथ नहीं दूंगी। पक्का? हाँ ना पक्का, लेकिन वो जो शॉपिंग के लिए उन्होंने पैसे भेजे ना, उसको खर्च करने के बाद। क्या? ओ मुझे ना भूल जाना। एक सेकंड, तुमने बाहर से मेरे लिए पैसे लिए? मैंने थोड़ी मांगे उनसे, वो तो उन्होंने कहा कि मेरा अपने लिए खुद से कुछ कहती नहीं, तो तुम कह दिया करो, तो मैंने कह दिया। वैसे मेरा आपी, रुशना ने ये काम तो बड़े ही आला किया। तुम चुप करो मेरा आपी की बच्ची। अरे आपी सही तो कह रही हूँ, आपको थैंक्स कहना चाहिए रुशना को। अरे भाई मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी छोटी मोटी नेकियां करती रहती हूँ। तुम चुप करो नेक परवीन, नमाज पढ़ो पहले। अरे भाई पढ़नी ही पड़ेगी, इतने ठंडे पानी से वजू किया। नमाज लेके आओ बाहर से। रुशना क्या है? आपसे बाहर, अगर आप मुझसे नाराज हो गई तो मैं जिंदगी से खफा हो जाऊंगा। इतना हौसला है आप में? हाँ ना, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। इतनी मजे की बातें करते हैं आप कि बंदा थोड़ी देर भी नाराज नहीं रह सकता आपसे। लेकिन पूछूंगी तुम्हें जरूर, कल फोन काट के कहाँ गायब हो गए थे जनाब?
वो एक्चुअली मेरा फोन डाउन हो गया था इसलिए ऑफ था। और तो कोई बात नहीं थी ना? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा एक बात बताओ, खाने का मूड है? खाना तो मैंने खा लिया था, मगर मगर इतना मजे का नहीं था। अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर कर दूं? अरे नहीं, अच्छा चलें आप कहते हैं तो जैसे आपकी मर्जी। फॉर एग। ई फॉर एग। हाँ शाबाश, बैठो पढ़ो और मैं सुनूंगी तुमसे। अभी कहाँ तक पहुंचे तुम? अरे लड़कियों, कुछ खाने का मूड है? भूख लग रही है? पड़ोस के लड़के से चाट और दही बड़े मंगवाए थे परवा शाह ने, लाने वाला होगा। चाट? कभी पास्ता खाया है? नेट पे रेसिपी देखी है। तो आज खाकर भी देख लेना। चलो उठो, जाओ जाके चम्मच और प्लेट्स लेकर आओ। वैसे ला कौन रहा है? तुम आम खाओ, गुटलियां ना गिनो, समझी? और तुम आओ मेरे साथ, इधर आओ। इट इज यूज टू एंटर डेटा। इधर आओ तुम। ना दीदी, चाची शाम को पता चल गया तो? शाम से पहले नहीं आने वाली, कहां लांडी और कहां अख्तर का लूनी। और रुस्वा, वो तो घर पे ना सब बता देगी चाची जान को। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, उसको मैं पटा लूंगी। क्या सोचता होगा अरे हमारे बारे में, कितने नदीदे लोग हैं हम। अच्छा प्लीज ना, कोई तकरीर नहीं, मैं भी कुछ मजेदार बना के भेज दूंगी कल उसे। अच्छा मसलन? मसलन प्लेन राइस विद करी। प्लेन राइस विद करी? हाँ। आप तो कह रही थी पास्ता है। तुम कब आई? अभी। हाँ पास्ता ही है, चलो अंदर। इतनी मजे की बातें करते हैं आप कि बंदा थोड़ी देर भी नाराज नहीं रह सकता आपसे। शक्ल देखनी पड़ गई मुझे। अरे ना हॉस्पिटल ठीक हो जाएगा। मेरे टांग में दर्द है, दर्द है मेरे टांग में। बाथरूम गीला कर दिया तुम लोगों ने लड़कियों। वालेकुम सलाम। हाँ तुम्हें वो अपॉइंटमेंट लेने का कहा था मैंने, हो गई? तो ठीक है, ठीक है आता हूँ। बाय। मेहराब, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरम को लेके जाना था ना अपॉइंटमेंट में, इसलिए। अच्छा अच्छा, और उस अरम को देखो, आई एम श्योर उसको याद ही नहीं है कि आज उसने चेकअप के लिए जाना है। मेरे होते हुए से फिक्र करने की क्या जरूरत है? जी फिर बेटा,
तुम बिल्कुल बड़े भाई साहब की तरह, उन्हीं की तरह हर एक का ख्याल रखने वाले, हर एक से प्यार करने वाले। चलें, मैं अरुण को देखता हूँ। अच्छा हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं पप्पू, मैं खाना खा के। अच्छा चलो ठीक है। जब तो नहीं गया। अच्छा तो क्या? रुशना, रुशना, ये क्या हाल बना है किचन का? और तुम खाना क्यों बना रही हो? मैं हॉस्पिटल जाना है। अरे बस मेरा काम भी हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है खाना बंद क्यों रहा है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे। अरे अरुण के लिए बना रही हूँ। क्या अरुण यहाँ आ रहा है? अरे नहीं, मैंने उसे मैसेज कर दिया, वो अपने किसी ड्राइवर को भेज के मंगवा लेगा। तुम पागल हो गई हो रुशना? अरे बुद्धू, मैं घर के दरवाजे पे छुपा दूंगी, वो आकर ले जाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम क्या करती फिरती हो रुशना, क्या जरूरत है इस सबकी? जरूरत क्यों नहीं है? तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि तुम उसे तहाइफ और पिज्जा वगैरह मंगवाती रहती हो, वो सोचेगा कि कितनी ना दे दी हूं मैं हिसाब बराबर कर रही हूँ। अच्छा और किसी को पता चल गया तो? वैसे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो तुमने शक्ल बना रखी है ना, इससे सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा। मैं भी किससे बहस कर रही हूँ, जल्दी बाहर आओ, रिक्शा आ गया है। क्या बात है, मूड क्यों इतना ऑफ है तुम्हारा? यार भाई, आप जानते तो हैं मुझे हॉस्पिटल्स का माहौल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुमने बैंडेज तो खोल लिया, चेकअप तो करवाना है ना, एक्सरे करवाना है तुम्हारा। तो भाई डॉक्टर को घर बुला सकते थे। डॉक्टर घर आ जाता है, लेकिन अभी मशीन साथ लेके नहीं आता। चलो यार भाई, तुम लोग यही इंतजार करो, मैं व्हीलचेयर लेके आती हूँ। ये ले पैसे। व्हीलचेयर ला दें भाई प्लीज। खाला में हिम्मत करें, आ जाए बाहर। खाला मां बैठे हैं, बस अभी ठीक हो जाएगा, जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कितनी देर लगेगी इसमें? तकरीबन 10 मिनट। ओके ठीक है। तीन तो नहीं गई। ये कुछ दवाइयां ले लें और इंजेक्शन लगवा लें, इंशाल्लाह जल्द आराम आ जाएगा। हेलो कृष्णा, मैं खाला अम्मा की दवा लेके आ रही हूँ, तुम उनका ख्याल रखना। अपने हाथ से कुछ बनाया है, किसी को भेज कर मंगवा लेना। खाना वही रखा है जहां केक रख कर गए थे। चले भाई, वो थोड़ी देर और रुक सकते हैं? हाँ, इस शर्त पे कि अगर वो लौट के वापस आ जाए।
नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं कुछ और पैसे भेज देता हूँ, आप किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा लें खाला अम्मा का। अगर तुम्हें सबकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो मेरा कहा मान क्यों नहीं लेते? मैं तो आपके बुलावे का मुंतजर हूँ, आप बस हाँ तो कहें, पहला टिकट करवाऊंगा कराची का। चलो फिर कटवा लो टिकट, मैंने वैसे एक दो लड़कियां देख रखी हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तस्वीर भिजवा दूं। कैसी तस्वीर है अम्मी, जब घर पे लड़की मौजूद है तो बाहर क्यों तलाश कर रही हैं? वहाँ तुम्हें मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, इस लड़की को किसी भी सूरत में मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अम्मी समझने की कोशिश करें, ये मेरी ख्वाहिश है। अरे तुम्हें जमाने भर में एक यही लड़की मिली है, क्या चाहते हो तुम कि तुम्हारी माँ का बुढ़ापा इस लड़की के हाथों खराब हो जाए? अम्मी मेरा ऐसी नहीं है, मैं वादा कर चुका हूँ हर हाल में उसे अपनाने का। किससे पूछकर वादा किया? मैं मीरा के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। ये बेकार की बातें छोड़ो, शादी के बाद सब ठीक हो जाता। अम्मी क्या? बस मैंने कह दिया ना, अगर तुम माँ से जिद लगाओगे ना तो कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। इतनी सख्त दिल मत बने, आपके बेटे की ख्वाहिश है वो। माँ की दिल आजारी में है तुम्हारी खुशी। अम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जैसा कहेंगी मेरा बिल्कुल वैसा ही करेगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। मैंने कह दिया ना, बस रखती हूँ फोन, बाद में बात करूंगी। अम्मी मेरी इसका भी जल्दी कोई फैसला करना पड़ेगा। हरम, अपनी दवाइयां तुम खाना भूल गए? सॉरी भाई, भूल गया था। तुम्हारे भूलने की बीमारी कुछ ज्यादा नहीं हो गई? इलाज करना पड़ेगा तुम्हारा। उसके हाथ का बना हुआ खाना खाने के बाद ना सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा, बात यहां तक पहुंच गई। एक बाइट लें, एक बाइट लें, फिर बताएं क्या करना है। बाद में दाना। आई टोल्ड यू ना, तो और खानी पड़ेगी। मजा आ गया भाई, चटनी वटनी नहीं खा गई। चल मैं सौरभ से कह के आता हूँ। अच्छा देख लिया था तो फिर मिले क्यों नहीं? मैं रोबे हुसैन से खौफ ज्यादा हो गया था, और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ना अच्छा लगा तो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ जितना खूबसूरत आपका दिल है उससे कई ज्यादा खूबसूरत आप हैं। और अगर ऐसा ना हो तो? अरे छोड़े ना, अब तो वैसे भी हमें मिलना पड़ेगा। आप मिलने की बात कर रहे हैं, नया जिंदगी साथ गुजारने के ख्वाब देखने लगा हूँ। जरूर देखे, लेकिन मिलने के बाद। तो फिर कब मिल रहे हैं? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे ये बताएं जो खाना मैंने अपने हाथों से बना के भेजा था कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। अच्छा बनाए मत अब। अरे सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो मेरे भाई से पूछ ले। अरे नहीं, मुझे क्यों किसी से पूछना है, आपने कह दिया इतना ही काफी है। अच्छा चले अब मैं फोन बंद करती हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा सुने तो जी, अब क्या है? आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल एक परी जैसी। और आप कोई देव या जैन जो किसी परी पे आशिक हो जाता है? कह सकते हैं। अच्छा चले इसका फैसला भी जल्द हो जाए, अब मुझे एक बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ना जाने तो मेरा खूबसूरत दिल देखो या चेहरा, मगर मीना मैं इतना जानता हूँ तुम्हें मुझसे बढ़कर कोई नहीं चाह सकता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा, इधर आओ मेरा, मेहमानों से मिलो। अकेला मेरा को कपड़े तो बदलने दो। तो हम कौन से गैर हैं, हम भी तो आपके अपने ही हैं। मेरा है मेरी रिश्ते में तो भतीजी लगती है, लेकिन मैंने अपनी बेटियों में और इसमें कभी फर्क नहीं रखा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जितना सुना था उससे बढ़कर पाया मैंने। बहुत सलीका से आ रही है, याद ही करोगी। बेटा इधर आओ मेरे पास। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अकीला मैं सिर्फ लड़की देखने आई थी, लेकिन अब शगुन किए बगैर नहीं जाऊंगी, क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए। अरे भाई तुम्हारी बच्ची है, जैसा तुम चाहो। अच्छा तो चलो मैं रिश्ता पक्का करती हूँ। अरे ऐशा इतनी जल्दी भी क्या है, हम मशवरा करके तुम्हें बता देंगे। अरे खाला अम्मा नेक काम में देर कैसी। आयशा तुम बिस्मिल्लाह करो। खेल, मैंने निशानी डाल दी, खुश रहो। तमाशा इश्क तमाशा।